नमस्कार दोस्तों, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये टॉपिक हमने पूरा पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस टॉपिक में जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है प्रैक्टिस सेट 5.1, उसमें क्वेश्चन 1 हमें क्या कह रहा है, यूजिंग द वेरिएबल्स x एंड y फॉर्म एनी फाइव लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमारे पास वेरिएबल्स दे रखे हैं x एंड y, हमें इन दो वेरिएबल्स का यूज करना है, पांच लीनियर इक्वेशन बनाने हैं। अब लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स है, जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होना चाहिए। ऐसे हमें पांच इक्वेशन बनाने हैं। अब देखो, यहां पर कोई स्टूडेंट ये सोचेगा कि चेक करने वालों को क्या लगेगा, ये सोच के वो अलग अलग टाइप की इक्वेशन बना देगा, लेकिन हमें आंसर सही लिखने से मतलब है, हमें आंसर में डिजाइन नहीं बनाना है। तो सीधा सीधा ज्यादा गलती की गुंजाइश ना रखते हुए ऐसे लिख दो सोल्यूशन। जैसे मान लो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, लीनियर इक्वेशन है, इन टू वेरिएबल्स है, खत्म। ऐसे हमें पांच बनाने हैं, तो हम दोस्तों यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये इक्वेशन है, इक्वेशन अलग है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, हो गए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट 5 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। x और y की ऐसी वैल्यूज जिनको जब हम इस इक्वेशन में लिखेंगे तो उसका इक्वेशन जो राइट साइड है वो 7 है, तो लेफ्ट साइड भी 7 आ जाए। बेसिकली ऐसे नंबर हमें ढूंढने हैं जिनका एडिशन 7 आता है। तो यहां पर भी देखो, पहला सॉल्यूशन लिखते हैं x कॉमा वाई इज इक्वल टू 0। 0 हमने x की वैल्यू रख दी, अगर 0x यहां पर रखे तो y क्या आएगा, 0 प्लस y इज इक्वल टू 7, y आ जाएगा 7। सिमिलरली दोस्तों x कॉमा वाई इज इक्वल टू 1.6, x कॉमा वाई is equal to 2.5, x comma y is equal to 3.4। similarly पांचवा solution x comma y is equal to 4.3। फालतू में एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, आसान क्वेश्चन पूछा है, आसान जवाब लिख देना है, ठीक है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग सेट्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। हमारे पास यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्वेशंस के कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 5y है। तो डायरेक्टली अगर हम ऐड या सबट्रैक्ट करेंगे तो डिलीट नहीं होगा कोई भी वेरिएबल। तो हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि यहाँ पे 2x आ जाएगा, यहाँ पे 2x ऑलरेडी है, फिर एक इक्वेशन दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले इक्वेशन को अपन एक नंबर देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन 1 मान लो। 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा, वो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, इसको इक्वेशन 3 मान लो। अब इसके बाद क्या करना है, इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 में से, तो क्या आएगा, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x में से 2x गया, 0 बचा। यहाँ पर माइनस 5y है, माइनस 5y माइनस 2y, तो माइनस 7y आएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 7। माइनस माइनस हटा देते दोनों साइड से, 7y इज इक्वल टू 7, मतलब y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 1 की वैल्यू इस किसी भी इक्वेशन में अगर हम रखेंगे तो हमें x की भी वैल्यू मिल जाएगी। y इज इक्वल टू 1 अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से दोस्तों x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1, ये हमारा फर्स्ट साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। यहाँ पर जब हम इक्वेशंस को देखते हैं, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर माइनस y है। अगर हम दोनों इक्वेशंस को डायरेक्टली भी ऐड कर दें तो भी प्लस y माइनस y डिलीट हो जाएगा। तो डायरेक्टली करते हैं फिर, 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 1, 3x माइनस y इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 2x प्लस 3x प्लस y माइनस y इज इक्वल टू 5 प्लस 5। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड कर दी और राइट साइड में राइट साइड ऐड कर दी, 2x प्लस 3x 5x इज इक्वल टू, ये y कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, हमें x मिल गया। x की कीमत अगर हम यहाँ पे रख दें, x इज इक्वल टू 2 है, 2 टू जा 4, 4 प्लस y इज इक्वल टू 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1, x कॉमा y इज इक्वल टू 2.1, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा
फाइनल सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर देखो 3x है, 5y है, x है, 3y है, तो क्या करते हैं जो सेकंड इक्वेशन यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 3x हो जाएगा, फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16 इक्वेशन 1, x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 24, ये इक्वेशन 3 आ गया। अब 1 में और 3 इक्वेशन में 3x 3x है, अब 1 इक्वेशन में से 3 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3x माइनस 5y माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 9y इज इक्वल टू 16 माइनस 24, 3x में से 3x गया 0 हो गया, माइनस 5y प्लस 9y तो ये प्लस 4y आ जाएगा इज इक्वल टू 16 में से 24 गए, ये बचे माइनस 8, तो y इज इक्वल टू माइनस 2, ये हमारा एक सॉल्यूशन हो गया। अब y की ये जो कीमत है ये हम ऊपर किसी इक्वेशन में रख देते हैं, y इज इक्वल टू माइनस 2 अगर हमने यहाँ पे रख दिया तो माइनस 2 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, y प्लस 6 इज इक्वल टू 8, सॉरी x प्लस 6 इज इक्वल टू 8, तो x की कीमत आ जाएगी 2, राइट तो x कॉमा वाई इज इक्वल टू 2 कॉमा माइनस 2, ये हमारे सॉल्यूशन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो दोस्तों, y अलग है यहाँ पर, y अलग है, y का कोएफिशिएंट यहाँ पर, x का अलग है यहाँ का, x का अलग है, लेकिन अगर हम इस इक्वेशन को रिफिक्स करते हैं तो 2y इज इक्वल टू x हम लिख सकते हैं, फिर हम इस x की कीमत इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आराम से, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर पहले हम 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 105 इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, और 2y इज इक्वल टू x इस इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन मानते हैं, तो फिर सब्स्टिट्यूटिंग 2 इन 1, जहां पर हमें x दिखे वहां पर हमें 2y लिख देना है, तो 10 इन ब्रैकेट 2y प्लस 15y इज इक्वल टू 105, 35y इज इक्वल टू 105, y इज इक्वल टू 3। अब y की ये कीमत हमें यहाँ पे कहीं तो लिख देनी है, y इज इक्वल टू 3 अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं तो 2 3 जा 6, तो x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x कॉमा y इज इक्वल टू 6 कॉमा 3, ये हमारा हो गया इस साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन। यहाँ पर देखो 2x है, x है, 3y है, यहाँ पर 5y है, तो कोई भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो हम डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब हम क्या करते हैं, सीधा सीधा x की कीमत यहाँ पर अलग से ले लेते हैं और इस इक्वेशन को इधर रख देते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 4, इसको इक्वेशन 1 मान लो, प्लस 4 को राइट साइड में लेके गए हम। अब यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू 5y प्लस 11, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब अगेन सब्स्टिट्यूटिंग 2 इन 1, हमें क्या मिलेगा, जहां पर हमें x दिखे वहां पर हमें 5y प्लस 11 लिख देना है, 2 इन ब्रैकेट 5y प्लस 11 प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 4, हम क्या लिखेंगे, 10y प्लस 22 प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 4, ये 10y है, यहाँ पे 3y है, ये तो हो गया 13y इज इक्वल टू माइनस 4 है, ये माइनस 22 उधर जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा लेकिन माइनस साइन लग जाएगा, माइनस 26, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है, 26 माइनस 26 को हम 13 से डिवाइड करेंगे, 13 टू जो 26 लेकिन माइनस है तो माइनस 2 आएगा। अब ये y इज इक्वल टू माइनस 2 हम यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर रखो, देखो y इज इक्वल टू माइनस 2 यहाँ पर रख देते हैं, 5 इंटू माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस 10, प्लस 11 है, प्लस 11 माइनस 10 मतलब प्लस 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। यहाँ पर देखो दोस्तों 2x है, 3x है, माइनस 7y है, प्लस y है, यहाँ पर भी हम y को अकेला ले लेंगे और बाकी जो कीमत आती है पूरी यहाँ पर रख देंगे, देखो 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन 1 मान लो, यहाँ पर y इज इक्वल टू 22 माइनस 3x, इसको इक्वेशन 2 मान लो, 3x को हमने दूसरे साइड में रख दिया क्योंकि y हमें अकेला चाहिए था। अब ये जो y अकेला है इसको हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो 2x माइनस 7 इन ब्रैकेट 22 माइनस 3x इज इक्वल टू 7, अब करते हैं मल्टीप्लीकेशन, 2x
माइनस 154 प्लस 21x इज इक्वल टू 7. 2x प्लस 21x 23x हो गया इज इक्वल टू 7. जैसे कि तैसे रखो, इस 154 को राइट साइड में लेके जाते हैं, प्लस हो जाएगा 154 इज इक्वल टू 161 हो जाएगा ये. अब हमें पता है कि 23 7 जा 161, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 161 डिवाइड बाई 23 इज इक्वल टू 7. तो x इज इक्वल टू 7 आ गया. x की जो ये 7 कीमत है हम यहाँ पर रख देंगे. 22 माइनस 3 इंटू 7, 22 माइनस 21 इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 आएगा. Therefore, x कॉमा y इज इक्वल टू 7, 1, यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है. मुझे पूरा यकीन है दोस्तों, इन सारे एग्जांपल्स के थ्रू आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे. इसमें अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो. अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप या तो मुझे डायरेक्ट सोशल मीडिया पर मैसेज कर सकते हो, जिसके सारे हैंडल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, या फिर मुझे आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हो. टेलीग्राम ग्रुप में मैं और अपने चैनल के साथ जुड़े हुए बाकी सारे बच्चे ये डिस्कस करते हैं कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाने वाला हूँ. या फिर अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक हार्ड जा रहा है तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मुझे ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है, आप उस पर एक नया वीडियो बना दीजिए, तो मैं बना दूंगा. मैं सिर्फ आपके लिए यहाँ पर खड़ा हूँ, आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहिए ताकि आपको पता चले कब कौन सा वीडियो आने वाला है, अगला क्या आने वाला है, और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ाई के बारे में डिस्कस करते हैं. मिलता हूँ मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आप हंसते रहो, खेलते रहो, हमेशा की तरह सीखते रहो.